नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज हजा। अपने आज खास पेशकश में बात करेंगे लाइब्रेरी का रियलिटी चेक को लेकर। जी हां, लाइब्रेरी कोर्स करने के बावजूद भी प्रदेश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में लाइब्रेरी तो बना दी गई है, लेकिन योग्य लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की गई है। प्रदेश में करोड़ों रुपए की किताबें तो खरीदी जाती हैं, लेकिन उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए लाइब्रेरियन ही नहीं है। करोड़ों रुपए की बुक्स आ जाती हैं, लेकिन वेस्ट जाती हैं, किसी को भी चार्ज दे दिया जाता है। तो हम बहुत दिनों से सीएम साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर जी से, सबसे विपुल गोयल जी से सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं और 90 के 90 एमएलए को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो सुना आपने, यह हरियाणा लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर नरेंद्र शौकीन की माने तो प्रदेश में करोड़ों रुपए की किताबें तो खरीदी जाती है, लेकिन उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए लाइब्रेरियन नहीं है। प्रदेश के स्कूलों में लाइब्रेरी तो बना दी गई, लेकिन योग्य लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की गई। मेरा जहाँ तक मानना है कि भी लगभग 15,000 स्कूल्स हैं हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स, और उसमें 1729 स्कूल्स जो हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, लेकिन किसी में भी लाइब्रेरी नहीं लगे हुए हैं। केवल 11 लाइब्रेरियन आज तक लगे हुए हैं पिछले 25 वर्षों में। 189 पोस्ट सेंक्शन हुई थी, वो भी नहीं भरी गई हैं। 11 पोस्ट लाइब्रेरियन की हैं, वो भी नहीं भरी गई हैं। तो आप देखिए, इससे बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। यदि क्वालिफाइड लाइब्रेरियन स्कूल में नहीं होगा, किसी टीचर को इंचार्ज बना दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा? लाइब्रेरी कोर्स करने के बावजूद भी प्रदेश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। एसोसिएशन द्वारा लाइब्रेरी प्रोफेशन के गिरते स्तर को लेकर हरियाणा की 90 विधानसभाओं में चुने हुए 90 विधायकों को ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करोड़ों रुपए की बुक्स आ जाती हैं, लेकिन वेस्ट जाती हैं, किसी को भी चार्ज दे दिया जाता है। तो हम बहुत दिनों से सीएम साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर जी से, सबसे विपुल गोयल जी से सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं और 90 के 90 एमएलए को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वहीं नरेंद्र शौकीन ने बताया कि लाइब्रेरी कोर्स करने के बाद भी हजारों युवा बेरोजगार हैं। सरकार द्वारा 1972 से अब तक हरियाणा में लाइब्रेरी में कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई। नरेंद्र शौकीन की माने तो सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 149 कॉलेजेस हरियाणा में हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और उसमें से केवल 21 लाइब्रेरियन आज तक लगे हुए हैं। पिछले 40 वर्षों से, मैं ये कहना चाहूँगा कि 1972 के बाद आज तक कोई भी रेगुलर अपॉइंटमेंट लाइब्रेरियन की नहीं हुई है। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट पास हुआ था 1989 में, उस पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है 1% भी कार्य उस पर नहीं हुआ है। जब सरकार ने कानून बना दिया तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। दरअसल लंबे समय से प्रदेश में रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हरियाणा में करीब 20,000 लाइब्रेरी प्रोफेशन के बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। प्रदेश में हजारों युवा ऐसे हैं जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के बाद 20 सालों से बेरोजगार हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ से कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।